दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धाल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हमने जो है हरियाणा के जनवरी से लेकर और अभी सितंबर 2020 तक के कंप्लीट जो है करंट अफेयर्स बना रखे हैं। इसके अलावा जो है आपके सितंबर मंथ के भी हैं, सिंगल है, और इंडिया करंट अफेयर्स भी हमने बना रखे हैं। तो अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हार्ले डेविडसन ने हरियाणा में किस जगह स्थित अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये प्लांट स्थित है बावल में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अमेरिकी कंपनी है हार्ले डेविडसन, इसने जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित बावल में अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है। तो रेवाड़ी जिले के बावल में ये प्लांट स्थित है इनका। तो हरियाणा के बावल में जो है कंपनी का ये असेंबलिंग यूनिट था, तो ये इन्होंने बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, जननायक चौधरी देवीलाल का 107वां जन्म दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, ये मनाया गया है आपके 25 सितंबर 2020 को। तो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं जननायक चौधरी देवीलाल जी। तो इनका जो है 107वां जन्म दिवस 25 सितंबर 2020 को संपूर्ण हरियाणा में बड़े हर्ष से मनाया गया। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले में कहाँ पर IMT बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये की गई है बड़ौदा में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के बड़ौदा में जो है IMT बनाने की घोषणा की गई है, और इसके साथ ही जो है बड़ौदा के अंदर जनता कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी चंडीगढ़ के नए SSP बने हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुलदीप सिंह चहल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के कुलदीप सिंह चहल को जो है चंडीगढ़ का नया SSP बनाया गया है। तो दोस्तों, कुलदीप सिंह चहल जो है 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के 12वां गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ये है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के 12वां गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने और इसके भवन के निर्माण के लिए 33.78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की 5 वर्षीय बच्चे ने अपने नाम 19 रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं। तो दोस्तों, ये है फरीदाबाद की, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो प्रदेश के फरीदाबाद जिले की रहने वाली 5 वर्षीय सृष्टि को जिले में कार्ड रानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सृष्टि के नाम 360 से भी ज़्यादा प्रमाण पत्र, 61 अवार्ड, 30 ट्रॉफी और 16 पदक है। तो सृष्टि गुलाटी जो है वो डांस, ड्राइंग, फैशन शो, रैंप वॉक, गायत्री मंत्र, बेबी शो आदि कई प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप PDF फाइल्स चाहते हैं तो वो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम हर मंथ की PDF फाइल बनाते हैं, तो वो आप बाय करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है 7.40 लाख। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में यमुना व घग्गर दो प्रमुख नदियां हैं। तो इनके किनारों पर 7.40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल जिले यमुना नदी में तथा मोरनी हिल्स, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा जिलों को घग्गर नदी में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को किस कैटेगरी में स्थान मिला है।
तो इसमें हरियाणा को मिला है एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है, और इस रैंकिंग का मकसद जो है वो राज्यों में इनोवेशन क्षमता को विकसित करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने NAPS के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में कितने अप्रेंटिस लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 45,000, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार ने जो है अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत लागू की जा रही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी कि NAPS के तहत सरकारी क्षेत्र में 20,000 और निजी क्षेत्र में 25,000 अप्रेंटिस लगाने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें दोस्तों हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लगभग आप सभी दोस्तों को पता ही होगा कि हर साल 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस से मनाया जाता है। तो इस अवसर पर जो है राज्य के ज्ञात और अज्ञात शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, तो ये भी हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हरियाणा जो दोस्तों रहा है 16वें स्थान पर, तो ऑप्शन है डी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में जो है हरियाणा 16वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों जो 2017-18 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला था, तो जिसका कि आपने देखा ही होगा हरियाणा सरकार ने इसका काफ़ी बखान किया था कि हम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तीसरे स्थान पे हैं। तो अब जो है हरियाणा 16वें स्थान पर पहुंच गया है, वापिस इसी ने बैक ली है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है कि प्रदेश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितने मेधावी युवाओं को फ्री कोचिंग देने का लक्ष्य बनाया है? तो ये है 50,000, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार ने जो है प्रथम चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों के लिए कोचिंग देने का निर्णय किया है। तो इनमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो दोस्तों ये किया है 1075, ऑप्शन है सी इसका आंसर है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों को उचित सलाह व मार्गदर्शन के लिए सरकार ने 1075 नामक टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो अभी आप अगर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप इसे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस पर फोन करके या फोन मिलने के बाद 4 नंबर प्रेस करके कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक अस्वस्थता के संबंध में बात कर सकता है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड के लिए हुआ है? तो दोस्तों ये है कौटिल्य पंडित, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो गूगल बॉय कौटिल्य पंडित तो आप जानते ही होंगे, इनका चयन जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड के लिए हुआ है। यह अवार्ड USA, UK, जर्मनी, ईरान, एशिया, जापान, साउथ कोरिया आदि 30 देशों के 100 जीनियस बच्चों को दिया जाएगा। तो दोस्तों कौटिल्य पंडित करनाल जिले के कोहंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गांव कासन में 100 एकड़ पंचायती भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा? तो यह है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिला के गांव कासन की लगभग 100 एकड़ पंचायती भूमि पर अरावली पर्वत श्रृंखला में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा के वन शिक्षा तथा पर्यटन मंत्री कंवर पाल है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना को स्वीकृति दी गई है? तो ये है 1304.95 करोड़ रुपए, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1304.95 करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में जो है फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा? तो दोस्तों ये है हरियाणा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है रक्षाबंधन के अवसर पर 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, किस लेखक ने फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर ही 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला ऐसा साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उपन्यासकार व नाटककार डॉक्टर अजय शर्मा ने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर ही 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला ऐसे साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा अब तक जो है डॉक्टर अजय शर्मा की कुल 18 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, और डॉक्टर अजय शर्मा इससे पहले 12 उपन्यास लिख चुके हैं और उनके उपन्यास कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए भी जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है झाबुआ में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिला में स्थित झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जगह पर है? तो दोस्तों ये है पिंजौर में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो गिद्धों की घटती संख्या को रोकने के लिए तथा उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप धारी एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।